इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जिसमें पहला है पैरा लैंग्वेज, सेकेंड है प्रॉक्सिमिक, थर्ड है काइनेसिस। तो इन चीज़ों को हम जो है टर्म वाइज डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज एक तरीके से हमारा बात करने का तरीका होता है, जिसके अंदर हमारा वॉइस टोन, सॉफ्टनेस, रेट ऑफ स्पीच और लाउडनेस और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इस पैरा लैंग्वेज के अंदर आती हैं। तो हमारा वॉइस टोन और बात करने का तरीका ही बताता है कि हम गुस्से में बात कर रहे हैं या फिर प्यार से। इसके भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि पहला है वॉइस क्वालिटीज़। वॉइस क्वालिटीज़ के अंदर हमारी वॉइस कितनी तेज होनी चाहिए, कितनी फास्ट होनी चाहिए और रिदम कैसी होनी चाहिए, साथ में हमारा प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें हमारी वॉइस क्वालिटीज़ के अंदर आती हैं। सेकेंड है हमारा वॉइस क्वालिफायर। वॉइस क्वालिफायर के अंदर हमारा एक तरीके से कि हमारा स्वर कितना चेंज है, और वो कुछ टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी वेरिएशंस जो हमारी वॉइस में आते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कभी कभी हमारा वॉइस लेवल लो होता है तो लोग सोचते हैं शायद हमारी जो है तबीयत ठीक नहीं है, या कभी कभी हम बहुत तेज़ बोलते हैं तो लगता है जैसे हम गुस्से में हैं। तो ये हमारा वॉइस क्वालिफायर होता है जो कुछ टाइम के लिए हमारी वॉइस में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है वोकल करेक्टरिस्टिक्स। वोकल करेक्टरिस्टिक्स एक तरीके से वो है जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, जैसे कि पहला है रोना, हंसना, चिल्लाना, ये सारी चीज़ें हम दूर से ही पहचान लेते हैं कि किसकी वॉइस है। इसके बाद है वोकल स्ट्रेटजी। वोकल स्ट्रेटजीज़ के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं आ उ, ये कुछ सोचने वाले वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, सर मुझे कुछ पैसे चाहिए बिकॉज मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने बीच में वर्ड्स यूज़ करे, ये हमारा वोकल स्ट्रेटजी का एग्जांपल है। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी आगे और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।